कार्बन साइकिल हो गया। सेडिमेंट्री साइकिल कौन सी साइकिल्स होती हैं? सेडिमेंट्री साइकिल वो साइकिल होती है जो अर्थ की क्रस्ट में चल रही होती है, अर्थ क्रस्ट में चल रही होंगी। अब अर्थ की क्रस्ट में चल रही है तो ऑब्वियसली बात है गैसियस तो हो नहीं सकती, वो नॉन गैसियस होंगी, आयरन साइकिल एग्जैक्टली। और गैसियस जो साइकिल होती है वो गैस की फॉर्म में है तो क्विक भी होंगी और फास्ट भी होंगी, इनका जो वापस रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस है वो बहुत फास्ट होगा। सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर ये स्लो हो जाएगा। गैसियस का एग्जाम्पल कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जाम्पल फॉस्फोरस और सल्फर। आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल, उसमें मिनरल न्यूट्रिशन वाला लेक्चर देखा है मेरा यूट्यूब से, यस मैम, पढ़ा होगा नाइट्रोजन साइकिल कैसे हम थे, एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को हम किसमें नाइट्रेट नाइट्राइट अमोनियम आयन्स में कन्वर्ट करा रहे थे, तो हमारी गैसियस साइकिल थी। अब यहाँ पे हम लोगों को दो साइकिल पढ़नी है, कार्बन साइकिल पढ़नी है, एक फॉस्फोरस साइकिल पढ़नी है। मतलब एक तो गैसियस साइकिल का एग्जाम्पल देखना और एक हम लोगों को सेडिमेंट्री। तो पहली डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है। मूवमेंट्स ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स का मूवमेंट होना अलग अलग कॉम्पोनेंट्स के थ्रू, पहले बायोटिक जा रहा है, ए बायोटिक जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं आपका न्यूट्रिएंट साइक्लिंग या बायो जियो केमिकल साइकिल। टोटल अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आपके जैसे कार्बन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कैल्शियम हो गया, प्रेजेंट इन सॉइल एट एनी टाइम, एक भी टाइम में, जैसे कि मैंने आपको स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट पहले ये डेफिनेशन लिखवा दिया था पूरा, यस मैम, है ना। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक जो मैटर होता है उसको स्टैंडिंग स्टेट बोलते हैं, ऑर्गेनिक वाले को स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं। ये हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब हम चलते हैं अपनी कार्बन साइकिल के ऊपर। अब देखो जरा कार्बन साइकिल क्या होती है। सबसे पहले कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है मेरे अर्थ पे? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हो सकती है, और मेनली अगर मैं एटमोस्फेयर में बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में होगी है, या फिर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में हो सकती है, हो सकती है, नहीं हो सकती है। और कार्बन ही किसी ऑर्गेनिज्म का मेन, बिकॉज हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो मोस्टली कार्बन की बनी होती है, 49% जितना भी किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट होता है वो कार्बन होता है। ये कुछ ज्यादा ही जूम हो गया है। अभी दिख रहा है क्लियर है? थोड़ा सा और जूम कर उसको। अब यस भी ज्यादा क्लियर होगा, चलो समझो। सबसे पहले हमको पढ़ना है कार्बन साइकिल, और हम लोगों को पता है कार्बन साइकिल का रिजर्वायर कौन होगा? मेरा एटमोस्फेयर होगा, ठीक है। कार्बन किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट का कितना होता है टोटल? 49%। 49%। 71% ऑफ द कार्बन इज फाउंड डिसॉल्व्ड इन ओशियंस। जो 71% होता है वो मेरा किस फॉर्म में पाया जाता है? डिजोल्व डिजोल्व ऑक्सीजन, फॉर्म में पाया जाता है ओशियंस के अंदर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है कि एटमोस्फेयर के अंदर इसका रेगुलेशन मेंटेन रहे, रेगुलेशन को मेंटेन रखने के लिए। अब याद, पहला चीज आप याद रखना है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का 49% जो होता है वो कार्बन होता है। ओशियन से हम लोगों को टोटल 71% कार्बन मिल रहा होता है, यही ओशियन से हमारा एटमोस्फेयर में भी कैसे जाएगा सब समझाऊंगी अभी। कार्बन साइकिल में हमारा एटमोस्फेयर आएगा, ओशियन आएगा, थ्रू लिविंग एंड डेड ऑर्गेनिजम्स भी आ सकता है। ये एटमोस्फेयर कार्बन साइकिल अकर थ्रू एटमोस्फेयर, ओशियंस, और लिविंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म। डेड ऑर्गेनिज्म का टर्म हम वही यूज करेंगे यहाँ पे, डेट्राइटस, डिटेक्ट ठीक है। इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 × 10^13 kg ऑफ कार्बन इज फिक्स्ड इन द बायोस्फेयर। इतना बायो वेट, इतना बायोमास कार्बन का फिक्स है हमारे बायोस्फेयर में, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू बन रहा है। बिकॉज फोटोसिंथेसिस के थ्रू हम लोगों के पास ग्लूकोज आता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ग्लूकोज के थ्रू जो कार्बन बन रहा है ना, उसका अमाउंट कितना है? 4 × 10^13 kg। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन से है हमारी, ठीक है। नेक्स्ट चलता है। फिर इसके बाद आता है जो कार्बन होता है इज रिटर्न टू एटमोस्फेयर। कार्बन हमने एटमोस्फेयर से किस फॉर्म में मिलता है? CO2 के फॉर्म में मिलता है। बाय एनिमल्स CO2 रिलीज करते हैं, एंड प्लांट्स उसी CO2 को इनहेल करते हैं,
और एक्सहेल करते हैं रात रात के टाइम में ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एंड द एक्टिविटीज ऑफ डीकम्पोजर्स. जब हमारे डीकम्पोजर्स की एक्टिविटीज होती है तब भी हमको कार्बन मिलता है. तो कार्बन एटमोस्फेयर में किस किस सोर्स के थ्रू आ रहा है, मतलब एटमोस्फेयर के अंदर कार्बन कहाँ कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है, प्लांट से आ रहा है और डीकम्पोजर से आ रहा है. तीन स्टेप्स, एनिमल, प्लांट्स और डीकम्पोजर. ठीक है. सम अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कार्बन इज लॉस्ट एज सेडिमेंट. कार्बन की कुछ अमाउंट सेडिमेंटेशन में भी चली जाती है एंड कुछ अमाउंट रिमूव हो जाती है फ्रॉम सर्कुलेशन. सर्कुलेशन मतलब साइकिल से रिमूव हो जाती है कुछ अमाउंट ऑफ कार्बन हमारी. जब हम वुड को बर्न करते हैं, फॉरेस्ट फायर होती है, वोल्केनिक एक्टिविटी, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, फॉसिल फ्यूल्स आर सम एडिशनल सोर्स ऑफ जो अपने अंदर से CO2 रिलीज करता है. बिकॉज वुड को हम बर्न कर रहे हैं, वुड के अंदर क्या होता है, सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज को बर्न करते हैं तो हमें वहां पे CO2 मिलता है. ठीक है. फॉरेस्ट फायर में भी हमारा वुड बर्न कर रहा है, सेल्यूलोज बर्न कर रहा है, CO2 मिल रहा है. वोल्केनिक एक्टिविटीज में भी हमारे पास CO2 गैस रिलीज आती है. तो कार्बन के सोर्सेस कौन कौन हो गए फिर हमारा, कुछ वुड का बर्निंग भी हो गया, फॉरेस्ट फायर भी हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटीज, ये सब हम ऐड करेंगे. कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज भी हैं, जैसे कि हम डिफोरेस्टेशन करा रहे हैं. वेहिकुलर बर्निंग ऑफ फॉसिल्स हैव कॉज्ड एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 इन एटमोसफेयर, जिसकी वजह से CO2 का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है एटमोसफेयर में. अब CO2 का अमाउंट बढ़ता है एटमोसफेयर में तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम आती है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हमारा. एंड ग्लोबल वार्मिंग में होता क्या है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है. अर्थ का टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो जाता है एंड CO2 एक एसिडिक गैस है, ये भी आपको याद रखना है. CO2 एक एसिडिक गैस है. हाँ जी मैम, फोर्थ पॉइंट मैम दोबारा बता दीजिए. फोर्थ पॉइंट में है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 × 10⁻³ kg जो कार्बन है वो हमारे पूरे बायोस्फीयर में फिक्स है. और कहाँ से आ रहा है इतना सारा कार्बन, हमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू मिल रहा है. फोटोसिंथेसिस हम लोगों को पता है ना, कार्बोहाइड्रेट बनता है, ग्लूकोज बोल दो या फिर. यस मैम. तो कहाँ से मिलता है हमें फोटोसिंथेसिस. यस सना मैम, हम लोग जब भी ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो उसमें हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं. मैम मेन प्रॉब्लम क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है या ग्लोबल वार्मिंग है? मेन हाउस मेनली क्या होता है यहाँ पे, CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से होता है. अब CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो हम उसको ग्लोबल वार्मिंग भी बोल सकते हैं या फिर हम उसको ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोल सकते हैं. ये दोनों की दोनों कंडीशन हम लोगों को इन्वायरमेंटल इश्यूज में पढ़ने को मिलेंगी, वहां पे पूरा डिटेल में हम इसका पढ़ेंगे. Okay. यस कीर्ति ने भी हैंड रेस किया, एक बार कीर्ति से पूछ लो फिर राधिका आपके पास आती हूँ. कीर्ति बताओ. मैम यहाँ पे ना फोर्थ पॉइंट में ये फोटोसिंथेसिस एनुअली लिखा हुआ है मैम, इसका मतलब? एनुअली का मतलब पूरे साल में प्लांट्स. नहीं मतलब ये पॉइंट फोटोसिंथेसिस एनुअली, ये कुछ समझ में नहीं आया मैम. देखो लाइन पढ़ो फिर से. इट इज एस्टिमेटेड दैट 4 × 10⁻³ kg ऑफ कार्बन हमारी फिक्स्ड है बायोस्फीयर में और ये कहाँ से आती है हर साल, थ्रू फोटोसिंथेसिस एनुअली. एनुअली मतलब हर साल हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ कार्बन फोटोसिंथेसिस से आती है, ये बोल रहे हैं. एनुअली एवरी ईयर प्लांट हमको इतनी सारा कार्बन बना के देते हैं. जैसे आप हर साल एक एक क्लास पे जाते हो, इतना सारा रिजल्ट प्रोड्यूस करके आते हो, तो मैं तो बोलेंगे कि आपका एनुअल रिजल्ट ये आया है. यस मैम. मतलब पूरे साल में सिर्फ फोटोसिंथेसिस के थ्रू आता है इतना कार्बन. एग्जैक्टली पूरे साल में, मतलब पूरे एक साल में फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना कार्बन हमको मिलता है. अब वो डिपेंड करेगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा हो जाएगा तो ये अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का रेट थोड़ा कम होगा तो अमाउंट, लेकिन ये अमाउंट फिक्स है कि इतना ही ऑलमोस्ट आएगा हमारे पास हर साल. और मैम अगर ये अमाउंट ज्यादा बढ़ता चला गया, फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा होगी फिर भी तो ये कारण ग्लोबल वार्मिंग के लिए होगा. फोटोसिंथेसिस ज्यादा कब हो सकता है मेरे पास, फोटोसिंथेसिस ज्यादा जब हो सकता है जब हम ज्यादा फॉरेस्टेशन करें, ट्री प्लांटेशन करें, तब हमारा ये अमाउंट बढ़ सकता है. सिर्फ जितने प्लांट्स होंगे उतने ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा. फिर प्लांट्स को फिर लिमिटेड रखने की कोशिश करनी पड़ेगी मैम. क्यों प्लांट्स को लिमिटेड रखना है, प्लांट्स दिन में क्या करते हैं, डे टाइम में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. और रात में या दिन में ऐसा करता है? उल्टा हो गया ना, रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है
इसीलिए यस बोलते हैं मैडम, ना जो गांव वगैरह वाले एरियाज होते हैं कि कभी भी ना रात को ट्री के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यस मैडम, वो CO2 रिलीज करता है, आपको सफोकेशन हो सकता है। अब यस CO2 रिलीज क्यों होती है वो हम लोगों ने उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा, बिकॉज रात के टाइम में वहां पे डार्क रिएक्शन चलती है, और रिएक्शन डार्क होता है, रिएक्शन में क्या होता है हमारा वो फूड प्रिपेयर हो रहा होता है, फूड का ऑक्सीडेशन चल रहा होता है, जिसमें बहुत सारी CO2 रिलीज होती है। यस मैम, बंडल शीत और मेसोफिल सेल के उसमें निकलते हैं। अविनाश कोई डाउट है बेटा आपका? नहीं तो चलो, तो ये वाले हमारे पॉइंट्स है, एक बार इसकी साइकिल भी देख लो। आज हमारी स्क्रीन काफी हैंग हो रही है, सही से चल नहीं रही। अभी बताना जरा, अभी क्लियर दिख रहा है क्या ये आप लोगों को? एकदम क्लियर तो है, बस थोड़ा सा ब्लर है। यस मैम, हाँ बस थोड़ा सा ब्लर है। एक ही स्क्रीन पे ना ये पूरा आ नहीं रहा अब है, ठीक है मैम, यस मैम क्लियर है। अभी ठीक तो है, लेकिन पूरा मैं आप ट्राई कर रही हूँ कि एक ही स्क्रीन पे ना आपको ये पूरा दिख जाए। अभी सही है, देखो अभी दिख रहा है ना पूरा एकदम। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, CO2 मेरे एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, प्रेजेंट है ना CO2 एटमोसफेयर में। अब CO2 को किसने लिया? मेरे प्लांट्स ने लिया, CO2 प्लांट्स के पास गया और प्लांट ने उसको बना लिया क्या, फोटोसिंथेसिस करके C6H12O6 में कन्वर्ट कर दिया CO2 वहां से लेके। फिर इसी ग्लूकोज को हमारी जो यहाँ पे काओ है इसने खा लिया, मतलब एनिमल्स ने लिया, हर्बीवोर्स एनिमल्स ने। फिर उन हर्बीवोर्स एनिमल्स की जब डेथ हुई, तो डेथ होने के बाद वो कहाँ पे सॉइल के अंदर ही तो मिक्स हो जाता है, फिर हमारा वही पूरा डिकम्पोजर्स वाला डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस चल जाता है, और डिकम्पोजिशन वाला पूरा प्रोसेस चल के मेरे पास वो डेट्राइटस में की फॉर्म में आ जाएगा, आ जाएगा डेट्राइटस की फॉर्म में। तो इसका यस मैम, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को पहले इन्होंने ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, ग्लूकोज को फिर हमारा किसी एनिमल ने खाया, और फिर एनिमल की जब डेथ हुई उसकी डेथ की फॉर्म में फिर से मेरा कार्बन सॉइल के अंदर आ गया, फिर से सॉइल में आ गया। या फिर एक और केस है, मैंने प्लांट लिया, प्लांट का वुड, वुड किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद मेरी जो CO2 रिलीज हुई वो CO2 वापस से जाके कहाँ पे चली गई, एटमोसफेयर, एटमॉस्फेयर। लेकिन एटमॉस्फेयर में। अब आपको पता है जितने भी ब्यूरिड एनिमल्स होते हैं बहुत लॉन्ग मिलियंस ऑफ साल तक अगर वो ब्यूरिड ही रहे अर्थ के सरफेस पे, तो वही हमारे फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, कोयला वगैरह ये सब बन जाता है। तो यही हमारा ऑयल और गैस की फॉर्म में भी आ गया, मतलब कार्बन। फिर इसी को हम यहाँ पे प्लांट्स लगा के गैस को निकाल लेंगे, और फिर हम अपने व्हीकल्स को जब यूज करेंगे, व्हीकल्स से जो फ्यूल्स निकलेगा, फिर वो फ्यूल किस फॉर्म में होगा, गैस की फॉर्म में, फिर वो भी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, यस मैम, चला गया एटमॉस्फेयर में। अभी हमारा प्लांट्स क्या करते हैं, रात के टाइम पे रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के टाइम पे वो CO2 रिलीज करेंगे, फिर वो एटमॉस्फेयर में चला गया, दिन के टाइम में CO2 लिया, रात के टाइम में रिलीज कर दिया, कर दिया। इस ऐसे ही मेरे पास प्लैंकटोन्स, मतलब फाइटोप्लैंकटोन्स, फाइटोप्लैंकटोन्स भी क्या होते हैं, हमारे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, उन्होंने भी फोटोसिंथेसिस किया, और फोटोसिंथेसिस करके CO2 लेके क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, फिर यही हमारा फोटोसिंथेसिस में चल रहा है, CO2 हमारा, बिकॉज प्लांट्स हैं CO2 को ले रहे हैं, तो रात को जब वो CO2 रिलीज करेंगे वाटर के अंदर ही रिलीज करेंगे, नहीं करेंगे। यस मैम, इसके अलावा जितने भी मेरे जू प्लैंकटोन्स होंगे, वो जू प्लैंकटोन्स की डेथ भी मेरे वाटर के अंदर ही होगी, यस मैम, वाटर के अंदर डेथ होगी, तो डेथ होने के बाद उनका डिकेइंग वाला डिकम्पोजिशन वाला पूरा प्रोसेस कहाँ पे चलेगा, वाटर के अंदर, फिर वहां से भी मेरी कार्बन निकलेगी, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर भी जाएगी, फिर वही वाटर अगर मैं प्लांट को दूंगी तो प्लांट के अंदर डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड चली जाएगी। यस तो बस यही हमारा पूरा प्रोसेस चल रहा है साइक्लिंग का।
हो रहा है ना साइकिल, सी एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, कभी प्लांट्स ले रहे हैं, एनिमल्स ले रहे हैं, फिर अर्थ में जा रहा है, फिर वापस से एटमॉस्फेयर में मिक्सअप हो जा रहा है। इतना याद रखना है आप लोगों से, इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अगर साइक्लिंग के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए आ गया तो यही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना जो मैंने आप लोगों को अभी बताए, वो सफिशियंट होगा। अब आते हैं हम लोगों की नेक्स्ट साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। अब फॉस्फोरस, सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए फॉस्फोरस प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं। अब फॉस्फोरस प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर तो मैम मेन सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज प्लांट ना। कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स प्लांट, मतलब कार्बन के सोर्स सिर्फ हम उसको बोल सकते हैं ना, क्योंकि वहां से तो सिर्फ मेरे को कार्बन मिल रहा है, वो फिर एटमोस्फेयर में जाके ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके तब CO2 बना रहा है। फिर मैम प्लांट से ही हर जगह से CO2 निकल ली, कहीं वुड की हेल्प से। क्योंकि प्लांट्स ले रहे हैं ना उसको, मेनली प्लांट्स यस ले मैम, रहे हैं उसको, ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करा रहे हैं, फिर ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट करा के एनिमल्स की बॉडी में जा रहा है, फिर एनिमल्स भी अपना रेस्पिरेशन करके CO2 रिलीज कर रहे हैं एटमोस्फेयर में, तो एनिमल्स को भी हम बोल सकते हैं, एनिमल्स भी तो CO2, हम लोग क्यों नहीं है फिर सोर्स मेन सोर्स CO2 के, हम लोग भी तो हो सकते हैं, हम तो कॉन्टिन्यूसली दिन हो या रात तो CO2 रिलीज करता है, यस मैम, तो बस ओके। ठीक है। अब फॉस्फोरस, फॉस्फोरस जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था है, हमारी बॉडी के डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, वहां पे फॉस्फोरस है प्रेजेंट। हमारी बायोलॉजिकल मैम्ब्रेन, सेल मैम्ब्रेन्स होती हैं, सेल मैम्ब्रेन्स के अंदर भी फॉस्फेट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। और आपकी ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर भी फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे कॉम्पोनेंट्स हो गए फॉस्फोरस के। या फिर इसके अलावा कुछ एनिमल्स की जो शेल होती है आउटर मोस्ट कवरिंग, वो भी फॉस्फोरस की बनी होती है। हमारे टीथ कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, बोन्स भी फॉस्फेट्स की बनी होती हैं, तो ये हमारा फॉस्फोरस। अब फॉस्फोरस आता कहाँ से है, हमारी बॉडी के अंदर भी फॉस्फोरस कहाँ से है। फॉस्फोरस का मेन रिजर्वॉयर हमारा रॉक्स होती है, बड़ी बड़ी चट्टानी, क्योंकि फॉस्फोरस एक मिनरल है। अब मैंने आप लोगों को बताया था रॉक्स से, मतलब जैसे सॉयल बनता है, सॉयल भी मेरा किससे बनता है, रॉक से बनता है, नहीं बनता है। यस मैम, रॉक से सॉयल कैसे बनता है, रॉक की वेदरिंग प्रोसेस से। तो यहाँ पे भी हमारा रॉक्स का हम लोग क्या कराएंगे, सबसे पहले वेदरिंग कराएंगे, वेदरिंग। वेदरिंग कराएंगे, उससे मेरे पास सॉयल, मतलब सॉयल की फॉर्म में आएगा, फॉस्फोरस सॉयल के अंदर मिक्सअप होगा, वही मेरा किसके अंदर चला जाएगा, वाटर के अंदर चला जाएगा। बारिश वगैरह हुआ, वो सॉयल वाटर के अंदर मिक्सअप होके प्लांट्स के पास चला गया, प्लांट ने फॉस्फोरस को ले लिया और प्लांट के अंदर फॉस्फोरस चला गया, मैंने प्लांट को खाया या कोई फ्रूट या वेजिटेबल खाया, फॉस्फोरस मेरी बॉडी के अंदर चला गया, फिर मेरी डेथ हुई, डेथ होने के बाद जो डेट्राइटस बना, फिर से फॉस्फोरस सॉयल के अंदर मिक्स हो गया। यस मैम, तो ये हमारी फॉस्फोरस की साइकिल हुई। तो इसका मतलब हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स फॉस्फोरस को ले रहे हैं, या तो प्लांट से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, डायरेक्टली ले रहे हैं अगर हर्बीवोर से तो डायरेक्टली ले रहे हैं, हम कार्निवोर से इनडायरेक्ट फॉर्म में ले रहे हैं फॉस्फोरस। यस वेस्ट मैम, प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिज्म, जो डेड ऑर्गेनिज्म या फिर किसी भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसमें भी फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, क्योंकि हम जो कंपोनेंट, हम जो फूड खा रहे हैं, वो फूड के अंदर जो फॉस्फेट है उस फॉस्फेट को भी हम डाइजेस्ट करते हैं, पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता वो, उसके अंदर क्या होता है, वेस्ट मटेरियल के अंदर हमारा फॉस्फेट आ जाता है, फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया की फॉर्म में। हाँ एक बार और बताती हूँ, एंड इन टर्न फिर वो फॉस्फोरस ही रिलीज हो जाता है, वेस्ट मटेरियल से वापस फॉस्फोरस। इसका भी डायग्राम से देखो, डायग्राम से क्लियर समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखो सबसे पहले है मेरे पास, नहीं प्रोड्यूसर से नहीं, रॉक मटेरियल से चलता है, रॉक्स है, रॉक का मैंने वेदरिंग कराया, वेदरिंग करा के मेरे पास वो जो सारा फॉस्फोरस था वो किसके अंदर मिक्स हो गया, सॉयल के अंदर, सॉयल से किसके पास चला गया, प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसर के अंदर चला गया, फिर प्रोड्यूसर्स को किसने खाया, प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूमर्स ने, कंज्यूमर की डेथ हुई, वो किस फॉर्म में आ गया, डेट्राइटस में, डेट्राइटस। फिर डेट्राइटस वापस किसके अंदर मिक्सअप हो जाता है, सॉइल के अंदर मिक्सअप हो जाता है, बस यही हमारा प्रोड्यूसर्स। अगर मेरा प्लांट का लीफ फॉलिंग हो रहा है तो लीफ फॉलिंग, लीफ के अंदर भी फॉस्फेट होगा, तो फिर वो प्लांट का भी डेट्राइटस बन सकता है या फिर कंज्यूमर्स का भी डेट्राइटस बन सकता है, ये सिंपल सी साइकिल है।
मैम प्रीवियस स्लाइड दिखाना एक बार। मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे रन ऑफ का मतलब क्या है? रन ऑफ का मतलब किसी की बॉडी के अंदर जाना। सॉयल सॉल्यूशन है, सॉयल सॉल्यूशन किस में चला जाएगा, बिकॉज सॉयल है, सॉयल किसके अंदर ही हम लोग प्लांट्स ग्रो कराते हैं, तो सॉयल से डायरेक्टली रन ऑफ किसके अंदर हुआ, प्लांट्स के अंदर हमारा। फिर प्लांट से टेकन ऑफ, प्लांट से कौन लेंगे, टेकन ऑफ बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, ऐसे ही पूरा फूड चेन में चलेगा। फिर एंड में डिकम्पोजर्स, उनको डिकम्पोज करा के वापस सॉयल में मिक्स कर देंगे। डाउट है कुछ? मैम ओके मैम, ये साधिका, फॉस्फेट ये फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया का आप नाम याद रख सको तो फॉस्फोबैक्टीरियम इसका नाम होता है, जो ओके okay. फॉस्फेट को सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ताकि हमारी बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर पाए। ओके मैम, मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर में पढ़ा होगा ना, फॉस्फोरस को फॉस्फेट की फॉर्म में लिया जाता है। यस मैम, वहां पे तभी तो थैंक हमारा एटीपी बन पा रहा है, न्यूक्लिक एसिड्स बन पा रहा है, नहीं तो हमारे न्यूक्लिक एसिड के पास फॉस्फेट कहाँ से आता। अब आता है लास्ट टॉपिक, एंड इसमें कुछ नहीं है, पूरा थियोरेटिकल भरा पड़ा है। इकोसिस्टम की क्या क्या सर्विसेज है, द प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम्स प्रोसेसेस, जितने भी इकोसिस्टम से मिलने वाले मेरे पास प्रोसेसेस हैं, इन्वायरमेंटल हो गया, एस्थेटिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, इन सबको हम बोलते हैं इकोसिस्टम सर्विस। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक मैम, जो हम लोग प्लेजर एंजॉय करते हैं बाहर घूमने में और एनवायरनमेंट को एंजॉय करने में। यस एग्जैक्टली, वही हमारा एस्थेटिक होता है। एस्थेटिक का मतलब होता है कि किसी चीज का, किसी चीज की ब्यूटी को फील करना, या किसी चीज का टेस्ट, टेस्ट वे में भी हम एस्थेटिक टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अब आता है फॉरेस्ट आर द मेजर सोर्स ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, मतलब इकोसिस्टम को मेंटेन रखने के लिए फॉरेस्ट हमारे सबसे ज्यादा मेजर सोर्स माना जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट ही हमारे क्या करते हैं, इकोसिस्टम में एयर और वाटर को प्योरीफाई कराते हैं, हमारे इकोसिस्टम में कोई ड्रॉट और फ्लड वगैरह ना हो इस चीज को मेंटेन करते हैं। साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी फॉरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, जनरेट करता है सॉइल को, की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, प्रोवाइड कराते हैं वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, हमारे जितने भी है एनिमल्स वगैरह होते हैं इन सबके लिए पूरा हैबिटेट प्रोवाइड कराते हैं, हमारी पूरी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन रखते हैं, पॉलिनेट कराते हैं क्रॉप्स, मतलब पॉलिनेशन प्रोसेस को पॉसिबल बनाते हैं, प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन, कार्बन के लिए स्टोरेज साइट भी प्रोवाइड कराते हैं, एस्थेटिक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज को भी ये फॉरेस्ट हमारे बताता है। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा एंड उनके कुछ कलीग्स थे, दे ट्राइड टू पुट प्राइस रेंज ऑन नेचर्स लाइफ सपोर्ट सर्विसेज विच कम अप एट US$33 trillion a year, which are taken for granted. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हमारे जो रॉबर्ट कॉन्स्टेंजर थे और उनके कुछ कलीग्स ने हमारी जो नेचर की सर्विसेज हैं, इन सर्विसेज का, कि अगर ये सर्विसेज हम किसी को प्रोवाइड कराने लग जाए, मतलब जो फॉरेस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है, अगर हम सेम सर्विसेज किसी को प्रोवाइड कराने लग जाए, तो अकॉर्डिंग टू US$ हमारे 33 trillion खर्च हो गए एक ईयर में, लेकिन फॉरेस्ट हम लोगों को प्रोवाइड करा रहा है फ्रीली। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP, विच इज ट्रिलियन, 18 trillion US का, जो कि ट्वाइस था किसकी वैल्यू के, जो हमारा ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराता है। ये डायरेक्ट वैल्यूज है जो आपको याद रखना है। किसने हमारा वैल्यू, मतलब रेटिंग किसने दिया था, वही रॉबर्ट कॉन्स्टेंट जो उनके कलीग्स ने दिया था, कितना हमारी नेचर की सर्विसेज को उन्होंने दिया था, 33 trillion, जो कि किसका ट्रिपल था हमारा, सॉरी ट्वाइस था GNP का, ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का। ग्लोबल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का ट्वाइस का। ठीक है, आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विसेज, द सॉयल फॉर्मेशन अकाउंट फॉर 50% रिक्रिएशन एंड न्यूट्रिएंट 10%, द कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट आर अबाउट 66% रीच। अब इसमें क्या लिखा है कि जो हमारी ये पूरी सर्विस की टोटल कॉस्ट को बताया गया, इसमें जो सॉयल पर्सन, मतलब इस पूरी टोटल कॉस्ट का 50% कॉस्ट सॉयल को बनाने में लगेगा, सॉयल को बनाने में, रिक्रिएशन और पूरी न्यूट्रिएंट साइकिल, और न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए हमारा 10% से भी कम है
इस पूरी कोस्ट का 10% से भी कम हमारा न्यूट्रिएंट साइकिल में लगेगा, और क्लाइमेट को वापस से रेगुलेट करना हो, बिल्ड लाइफ जो हमारे हैबिटेट मतलब जितने भी हमारे एनिमल्स उनके लिए प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड कराने के लिए 6% जाएगा हमारा क्लाइमेट को रेगुलेट करने में भी, और वाइल्ड लाइफ को भी रेगुलेट करने में उनके प्रॉपर हैबिटेट प्रोवाइड कराने के लिए 6% लगेगा। तो याद रखना है सॉइल फॉर्मेशन में इस पूरी अमाउंट का 50% है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए 10% है, और आपका इसके लिए क्लाइमेट रेगुलेशन और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए भी 6% है। 56 हां जी मैम, ये जस्ट इसकी डेफिनेशन है, समझ में नहीं आई, इकोनॉमिक एनवायरमेंटल एस्थेटिक ग्रुप से। The product of ecosystem processes, ecosystem के मतलब हमारे ecosystem के अंदर जो भी processes चल रहे हैं उन सब processes को मिला के एक जगह हम ecosystem services बोलते हैं, कि हमारा environment क्या क्या services provide करा रहा है, जो services मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बेटा litter क्या होता है, देखो दो terms मैंने आपको बताया था, detritus और litter। detritus होता है किसी भी dead organism से बनने वाला product जो आपका underground भी हो सकता है और above the ground भी हो सकता है। litter वो product होता है, वो waste material होता है जो humans produce करते हैं और वो हमेशा ground के ऊपर ही होगा। waste material produced by humans on the ground only, but detritus क्योंकि हमारी जो रूट्स है वो डेथ हो गई, रूट्स की डेथ हो गई तो सॉइल के अंदर ही तो बनेगा फिर हमारा डेट्राइटस। अंडरग्राउंड भी हो सकता है, बट लिटर कभी भी अंडरग्राउंड नहीं हो सकता है। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। यस अभी कुछ क्वेश्चंस देखें? यस चलो एक सेकंड दो मेरे को, मैं क्वेश्चंस ओपन कर लेती हूँ। आकृति नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या आपका, बार बार लीव हो रहा है? यस मैम। पढ़ो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, नेम द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन प्रॉपरली। कोई भी एक इकोसिस्टम है उसको प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए और अपने आप को मेंटेन रखने के लिए उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए? हर एक इकोसिस्टम की बेसिक रिक्वायरमेंट हमारा क्या है? एनर्जी। एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। तो आंसर देखो कैसे लिखो है, कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का कांस्टेंटली प्रेजेंट होना इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन प्रॉपरली। कोई भी इकोसिस्टम हो, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, टेरेस्ट्रियल हो, ग्रासलैंड हो, कुछ भी हो, हर किसी को सनी चाहिए बिकॉज वही अल्टीमेट सोर्स है हमारा, है ना। व्हाट इज डेट्राइटस? डेट्राइटस क्या होता है? डेट्राइटस हमारे किसी भी प्लांट का, एनिमल का जो डेड ऑर्गेनिक डेड वेस्ट बच जाता है उसको हम डेट्राइटस बोलते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर या फिर रिमेन्स ऑफ प्लांट सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, उसमें हमारा फेशियल मैटर भी आ जाता है, ये सब मिलके डेट्राइटस बनाता है। व्हाट इज एनपीपी? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर था ना? यस मैम। अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास जो रिमेनिंग है, अमाउंट ऑफ एनर्जी और बायोमास रिमेनिंग इन अ producers after meeting the cost of its respiration, वही पूरा NPP is equals to GPP minus R इन्होंने बोला हुआ है कि उसमें से respiration की cost को remove करने के बाद जितनी amount of energy या biomass मेरे पास बचता है और वो ही एक tropic level से next tropic level में transfer होगा, उसको हम बोलेंगे NPP। What is the rate of assimilation of energy at the herbivore level called secondary productivity? जो हमारा secondary, मैंने आप लोगों को बताया था primary productivity क्या होगी, वो productivity जो हमारे प्लांट्स बना रहे होंगे प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर्स, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी जो हमारे कंज्यूमर बोल रहे हैं कि हम इसको क्यों बोलते हैं ऐसा,
सेकेंडरी व्हाई इज द रेट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ एनर्जी एट द हर्बीवोर्स लेवल. अगर हर्बीवोर्स हमारे जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी बना रहे हैं उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्यों बोलते हैं? इट इज बिकॉज द बायोमास अवेलेबल टू द कंज्यूमर फॉर कंजप्शन इज द रिजल्ट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फॉर द प्लांट. प्लांट ने जो हमारा प्रोडक्टिविटी करी अपनी बॉडी के अंदर, उसी को खाने के बाद ही तो हमारे कंज्यूमर्स के अंदर कोई बायोमास डेवलप होगा, यस मैम, इसीलिए उसको सेकेंडरी. क्योंकि प्राइमरी हम किसको बोल रहे हैं? जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं, और हमारे कंज्यूमर्स क्या कर रहे हैं? उसी प्राइमरी को खा रहे हैं, इसलिए उसको सेकेंडरी बोला. ठीक है, नेक्स्ट. ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू द हर्बीवोर्स. प्राइमरी मतलब जितना प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर बायोमास बनाया, वो सारा का सारा हर्बीवोर्स को नहीं मिलता. क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो आधा यूज हो जाता है उसके अलग अलग काम क्योंकि प्लांट अपने लिए भी यूज कर लेता है उसको इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन. ये हो गया हमारा. फिर आता है वही इक्वेशन पूछ लिया आप लोगों से, क्या होता है एनपीपी का. हमें एक बार दोबारा बताना है वाला. ऑल द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज नॉट अवेलेबल टू हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को सारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नहीं दी जाती. क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि प्लांट्स का खुद का भी तो कोई यूज है ना, खुद भी तो यूज करेंगे अपने रेस्पिरेशन वगैरह में, जो उन्होंने एनर्जी बनाया सन से. ओके ठीक है, इसलिए वो पूरा का पूरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट नहीं किया जाता. नेक्स्ट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन पूछा है तो आप बताई दे. नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पूछा है. ग्रॉस का मतलब होता है कि कितना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस से बन रहा हो, टोटल ऑर्गेनिक मैटर नेट में कितना अवेलेबल है, कितना अवेलेबल है प्लांट्स के खुद कंज्यूम करने के बाद. सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वही रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं. स्टेट व्हाट द स्टैंडिंग क्रॉप. स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है कितना बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, और स्टैंडिंग स्टेट का मतलब कितने इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बन रहे हैं. वही ना, लिस्ट एनी टू वेज ऑफ मीजरिंग द स्टैंडिंग क्रॉप. को मीजर करने के दो तरीके बताए थे, या तो उसको बायोमास में कर लो या फिर नंबर में काउंट कर लो, है ना. स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में आपको डिफरेंस बताना है. स्टैंडिंग क्रॉप मास ऑफ लिविंग मैटर इन ईच ट्रॉपिक लेवल. स्टैंडिंग स्टेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट इन द सॉइल. सॉइल के अंदर कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. डन, नेक्स्ट पढ़ो. व्हाई इज द फूड वेब फॉर्म्ड इन नेचर. फूड वेब हमारे नेचर में क्यों बनती है? व्हाई इज द फूड वेब फॉर्म्ड इन नेचर. तरह तरह के फूड पर डिपेंड करते हैं तो उनकी एक ही फूड चेन नहीं हो सकती, इसलिए अलग अलग. इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ो एक बार, जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है मेरे को बताओ, देन आई विल एक्सप्लेन. यस कीर्ति, एनी डाउट? मैम मेरे ना अभी अपने फॉस्फोर साइकिल पर आई थी ना, फॉस्फोरस साइकिल मैम, मतलब उसमें हम रॉक मिनरल से हम सॉइल बना रहे थे, देन वो प्रोड्यूसर से, देन कंज्यूमर, देन डेट्राइटस, एंड देन दोबारा वो सॉइल बन रहा था मैम. मतलब जो फॉस्फोरस साइकिल है ये इतनी फ्रिक्वेंटली, मतलब इतने अच्छी तरह कैसे चल पाती मैम? कुछ तो ऐसा होता होगा जो इसे इफेक्ट करता होगा. फॉस्फोरस साइकिल को सिर्फ एक पॉइंट इफेक्ट कर सकता है, रॉक्स का वेदरिंग प्रोसेस या अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस इन द रॉक. मैं मतलब कभी कभी तो ऐसे भी होता है ना कि वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है. मैम सॉइल की मतलब फर्टिलिटी फॉस्फोरस से कभी कम नहीं होगी उसकी फर्टिलिटी, क्योंकि प्रोड्यूस तो कर रहा है ना वो, जिसके थ्रू वो कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है. जिसके थ्रू वो कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है. देखो सिंपल सी लैंग्वेज में समझो, मेरा रॉक्स है, रॉक्स का वेदरिंग हुआ, ठीक है. वेदरिंग होने का मतलब वही सॉयल बन रहा है, उस सॉयल के अंदर रॉक के पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होते हैं, उसमें मेरा फॉस्फोरस भी होता है. अब मेरे फॉस्फोरस सॉयल के अंदर मिक्सअप हो गया, उसी सॉयल के अंदर हमने कोई प्लांट ग्रो करा दिया, ठीक है. अब वो फॉस्फोरस डायरेक्टली हमारे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेंगे रूट हेयर्स के थ्रू. फॉस्फोरस फॉस्फोरस हमारा किसके अंदर गया? हमारे हमारे जाइलम के थ्रू प्लांट्स के अंदर. उसी प्लांट को किसी ग्रेजिंग एनिमल ने खा लिया या मैंने खा लिया, तो फॉस्फोरस फिर उसके बॉडी में भी चला गया, मेरी बॉडी के अंदर भी चला गया.
अब प्लांट एनिमल की बॉडी के अंदर चला गया, एनिमल्स क्या करता है हमारा, एनिमल्स की जब डेथ हुई तो डेथ होने के बाद उसके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर भी तो फॉस्फोरस पाया जाएगा, अब उसके ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो फॉस्फोरस है वही फॉस्फोरस फिर हमारा फिर से सॉइल में मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे डिफिकल्टी कहाँ पे आ रही है, ये तो एक नेचुरली चल रही साइकिल है, नेचुरली चलता है ये। मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आ सकते इस फास्फोरस नहीं साइकिल में। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बिकॉज ये सब नेचुरली चल रहा है। जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम लोगों के इतने बड़े बड़े क्यों क्यों बनता है, फेशियल का मतलब होता है बेटा वेस्ट मटेरियल, फीकल मैटर इसको बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस एंड प्लांट्स। ठीक है, मैम एक बार 14 क्वेश्चन बता दीजिए। स्टैंडिंग क्रॉप एंड बायोमास आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्योंकि स्टैंडिंग क्रॉप को हम मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, स्टैंडिंग क्रॉप को बायोमास की फॉर्म में ही हम मेजर करते हैं, तो ऐसे रिलेटेड है ये। बायोमास मतलब इसमें क्या होता लिखा है, ही लिखना जरूरी नहीं है ना, क्या जो इसमें लिखा ही है लिखना जरूरी थोड़ा ना है, जैसा अभी आपने बताया लिखा कि हुआ है, स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो ऑर्गेनिज्म का मास, और ऑर्गेनिज्म का मास हम हमेशा किस में देखते हैं, या तो उसका फ्रेश वेट या फिर बायोलॉजी ड्राई वेट, या फिर नंबर ऑफ प्लांट्स की फॉर्म में भी देखते हैं। नंबर ऑफ प्लांट वाला लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली बायोमास पूछा है, बायोमास ओके हम उसका ड्राई वेट की फॉर्म में बताएंगे। ठीक है, ओके 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, 14, 13 में क्या, न्यूमैन ऑर्गन विच अकर इन बोथ ग्रेजिंग फूड चेन में भी पाया जाएगा, डिकम्पोज एग्जैक्टली बताया था, क्रोप दोनों में पाया जा सकता है। व्हाई इज द पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास का जो पिरामिड होता है पॉन्डिको सिस्टम में इन्वर्टेड क्यों होता है, क्योंकि मैम फाइटोप्लैंक्टन की तो जो प्रोडक्टिविटी अपने आप इंक्रीज हो जाती है, पर वो कम रहती है, और जू प्लैंक्टन की ज्यादा रहती है। यस ना। मैम फोस्फोरस साइकिल जो होते हैं उसमें मैम ह्यूमन एक्टिविटी के भी तो इम्पैक्ट पड़ते हैं ना, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो आर्टिफिशियली हम लोग और ज्यादा न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं, तो उससे कोई नेचुरल जो फोस्फेट साइकिल है उसमें इफेक्ट तो पड़ता होगा। उसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा, अगर हम बाहर से कोई फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं सॉइल के लिए, तो हम ऑब्वियसली क्या कर रहे हैं, हम प्लांट्स को ज्यादा अमाउंट में फॉस्फोरस दे रहे हैं, सिर्फ फॉस्फोरस का अमाउंट बढ़ सकता है हमारी साइकिल के अंदर, अगर हम वहां पे यूज भी नहीं करेंगे ना फॉस्फोरस, तो तब भी हमारी फॉस्फोरस साइकिल तो बिल्कुल तब भी चलने वाली है, बिकॉज एनिमल्स की बॉडी में भी एटीपी बनेगा, एनिमल्स के सेल मेम्ब्रेन में भी फॉस्फोरस होगा, प्लांट्स के पास भी फॉस्फोरस होगा ही होगा, जितना नेचुरली अमाउंट है वो तो रहेगा, आर्टिफिशियली हम जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं, नेचुरली वाले को नहीं अफेक्ट कर सकते। जैसे मेरी बॉडी के अंदर जितना एटीपी है उसकी फॉर्म में फॉस्फोरस है, उसको नेचुरली इतना है, लेकिन अगर मैं बाहर से कोई ऐसी डाइट ले रही हूँ जिसमें फॉस्फोरस बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को एटीपी ज्यादा मिलने बनने लग जाएंगे, मेरी बॉडी में एनर्जी करेंसी ज्यादा बनने लग जाएंगी, फॉस्फोरस की अमाउंट बढ़ जाएगी, लेकिन एक लिमिट तक ही तो बढ़ा सकती हूँ ना मैं उसको, सिर्फ ये चीज होगा, नेचुरल वाले को नहीं अफेक्ट कर सकते, आर्टिफिशियली कितना भी हम उसमें एड ऑन कर ले। बताओ इन वाले क्वेश्चंस में कोई डाउट है, नो मैम, मेंशन नो करो मैम। पाइनियर स्पीसीज इन प्राइमरी सक्सेशन ऑन रॉक्स, पाइनियर स्पीसीज क्या होती है, पहली सबसे प्राइमरी टाइम पे बनने वाली स्पीसीज, यस भाई इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बेटा ड्रॉबैक्स मैंने आपको बताया था ना, इकोलॉजिकल पिरामिड जो होता है वो हमारा डायरेक्टली नहीं हो पाता, मतलब अगर हम उसको नेचुरल वे में देखो तो पॉसिबल नहीं है नेचुरली हमारा होना, ये ड्रॉबैक हमारा देखने के लिए मिलता है इसमें। जैसे उसका पढ़ा था ना फूड चेन का, हम बोले फूड चेन बहुत सिंपल है, लेकिन अगर नेचुरली देखो तो नेचुरली नहीं मिलेगी हमारे पास ऐसी फूड चेन। ये वाले क्वेश्चंस पढ़ो, मैम पियोनियर स्पीसीज का तो ये लिखेगा ना केवल सिंपल की इनवेडर बेयर एरिया। और पाइनियर स्पीसीज किसी रॉक वाले एरिया पे कौन होगी, लाइकन होगा, बिकॉज वो लाइकन एसिड सिक्रीट करता है, उसी की वजह से रॉक का वेदरिंग होगा।
आगे बढ़ो। Why is an earthworm called a detrivore? एक अर्थवर्म को हम डेट्रीवोर क्यों बोलते हैं? Because अर्थवर्म डेट्राइटस को स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में करता है, फिजिकल ब्रेकडाउन करा रहा होता है। Why green plants are not found beyond a certain depths? ओशन के बिल्कुल पर्टिकुलर बॉटम में क्यों नहीं पाए जाते प्लांट्स? क्योंकि वहां पे हमारी सनलाइट ही नहीं जा पाती। बात सनलाइट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट, ड्यू टू विच ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट फोटोसिंथेसिस एंड दस डू नॉट सर्वाइव। पाइनियर स्पीसीज का रोल आपको बताइए, एक बेयर एरिया के ऊपर सबसे पाए जाएंगे तो किसी दूसरे स्पीसीज को वहां पे एग्जिस्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैन कैन बी अ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है, बिकॉज मैन हमारा वेज भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। है। हाउ इज स्ट्रेटिफिकेशन रिप्रेजेंटिंग इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम? स्ट्रेटिफिकेशन समझाया था ना, लेयरिंग, यस वर्टिकल लाइन जो मैंने ड्रॉ करता पहले, सबसे छोटे ब्रांच उससे बड़े इस टाइप से। एक सेकेंड फिर से दिखा रही हूँ क्वेश्चन। देखो जरा, एनी क्वेश्चन आया हुआ भी है 2014 में। मैम इस 21 में हम केवल डायग्राम बना के आ सकते हैं और उसके नीचे नाम रिप्रेजेंट कर देंगे। हाँ ऐसे कर देना, बस एक थोड़ा सा लाइन जरूर लिख देना, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो 22 में पर यूनिट एरिया लिखना कंपलसरी है। पर यूनिट एरिया ऑब्वियसली, बिकॉज एक पर्टिकुलर एरिया में ही तो बात करेंगे ना, यस मैम, एक एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बन रहा है वो भी लिखना है, एरिया भी टाइम भी। ओके। और किसी को कोई डाउट नहीं आ रहा? अविनाश, सौरभ, शीतल, खुशी, मैम क्वेश्चन नंबर 25। 25 क्लाइमेक्स स्टेज। क्लाइमेक्स स्टेज क्या होता है? जब आप पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हो, जो बड़े बड़े फॉरेस्ट बन वाली स्टेज में पहुंच जाते हैं उसको क्लाइमेक्स स्टेज बोलते हैं। तो क्लाइमेक्स स्टेज इज अचीव्ड क्विकली इन सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन वो सक्सेशन था जो बेयर रॉक्स पे हो रहा था, सेकेंडरी सक्सेशन वो सक्सेशन था जो डिस्ट्रॉयड एरिया पे हो रहा था, है ना। वहां पे हमने बोला था वहां पे फास्ट होगा, बिकॉज वहां की जो सॉयल है वो ऑब्वियसली फर्टाइल होगी एज कम्पेयर टू द बेयर रॉक वन। तो बोल रहे हैं कि क्लाइमेक्स स्टेज वहां पे बहुत जल्दी बन जाती है सेकेंडरी सक्सेशन में एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। जो अभी मैंने बताया वही लिख देना बस, क्योंकि वहां पे पहले से स्पीसीज रहती थी और वहां की सॉयल भी हमारी फर्टाइल होती है। 26, अंडर वॉट कंडीशन वुड अ पर्टिकुलर स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन रिवर्ट बैक टू एन अर्लियर स्टेज? कौन सी कंडीशन में हमारा जो सक्सेशन का प्रोसेस है उसमें एक स्टेज पहुंच गया लेकिन वो वापस से अपनी प्रीवियस स्टेज में आ जाएगा? अगर हमारा क्लाइमेक्स स्टेज पहुंच गया और हमने वहां पे क्या करा, फॉरेस्ट बन गया पूरा का पूरा, बड़े बड़े ट्रीज आ गए, अचानक से जाके उन सारे के सारे ट्रीज को बांध कर दिया, तो वापस से मेरा प्राइमरी पे पहुंच जाएगा, फिर वो पहले क्लाइमेक्स स्टेज पे, कहने सकते हैं पाइनियर हम स्पीसीज पे पहुंच जाएगा। फायर लगा दिया है, डिफोरेस्टेशन लगा दिया, दो ही प्रोसेस है। पाइनियर स्टेजेस में कैसे पहुंच जाएगा। मतलब सबसे पहली वाली स्टेज में जो सबसे स्टार्टिंग वाली थी, बट वो तो मैम बेयर रॉक्स की थी ना, तो इसमें तो जलाया है पाइनियर तो वाली कम्युनिटीज, कम्युनिटीज की बात करो ना, पाइनियर कम्युनिटी, सीरियल कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। आप क्लाइमेक्स तक पहुंच गए, क्लाइमेक्स आपने कट कर दिया तो पहले क्या आ गया, पाइनियर वाली। या पाइनियर भी नहीं, मतलब पूरा बेयर ही रॉक बन जाएगा एक टाइप से, पूरा जो फील्ड है वो फ्री यस मैम। ऐसे। आगे चले, डिफोरेस्टेशन मैम ये प्रॉपर मतलब मीनिंग क्या होता है डिफॉरेस्टेशन का। मतलब पेड़ों को काटना, पूरे के पूरे फॉरेस्ट जब हम कट करने लग जाते हैं, रिफोरेस्टेशन वापस से।
27 और 28 पढ़ो जल्दी से. अरेंज द फॉलोइंग यू ऑब्जर्व इन द वर्टिकल वही स्ट्रेटिफिकेशन का लेवल बताना है. सबसे पहले कौन आएगा? ग्रास आएंगे, फिर ग्रास के बाद एमरेंथस एंड श्रबी प्लांट्स, देन टीक. टीक बड़े साइज वाले जो प्लांट्स होते हैं. एमरेंथस ग्रास के जैसे ही होता है, छोटे छोटे. हो गया 28 तक. हो गया. अभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखो. मेन चीज ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो कैसे आंसर कर रहे हैं और कितना लिखना है. ओके यस सना. मैम, ये जो इक्वेशन है जीपीपी माइनस आर इज इक्वल्स टू एनपीपी, इसमें मैम इक्वल्स टू 1 क्यों लिखा है? इसमें हमारा इक्वल्स टू 1 इन्होंने लिखा है, तो 1 की वैल्यू कब आ सकती है हमारा? जब हमारा सपोज करो हमने जीबीपी हमारा कितना आया है, 5 आया है. 5 में से हमने उसका 4 यूज कर लिया, मतलब 90% अगर यूज हो जाए रेस्पिरेशन में तब आएगा ना 1 तो वैल्यू. यस फाइव मैम. माइनस फोर तब आ सकता है हमारा वैल्यू. क्वेश्चन देख लो एक बार, क्या हाउ आर प्रोडक्टिविटी, ग्रोस प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इंटर रिलेटेड. प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ बायोमास, ये तो वही दिया हुआ डेफिनेशन पे, बेस ऑफ बायोमास अवेलेबल टू कंज्यूमर. तो ये वही इन्होंने दिया हुआ है इक्वेशन. इज इक्वल्स टू 1 मत लिखना आप, सिर्फ एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर लिख के आना. 1 मत लिखना क्योंकि ओके 1 में कंडीशन लग जाएगी कि कितना रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है हमारा. एनपीपी जीपीपी के इक्वल, बेटा एनपीपी जीपीपी के इक्वल सिर्फ तब हो सकता है अगर अगर मेरा कोई भी रेस्पिरेशन ना हो तो, व्हेन रेस्पिरेशन इज जीरो. मैंने क्या बोल रहे हो? कहा मैम, जबकि ऐसा होता नहीं है वैसे. हाँ, क्योंकि प्लांट रेस्पिरेशन में तो यूज करेंगे ही. को पता है ना रेस्पिरेशन के टाइम पे सबसे पहले लाइट रिएक्शन हो रही होती है. मैम हाँ, मैम जीपीपी लो क्यों होता है विंटर में? जीपीपी क्या है हमारा? फोटोसिंथेसिस रेट ऑफ विंटर्स के टाइम में जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है ना, इसलिए उस यस टाइम पे मैम. जीपीपी हमारा लो हो जाता है. क्योंकि जीपीपी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ बायोमास हमारा प्रोड्यूस हो रहा है बाय फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले सारे के सारे प्रोसेस हमारे जीपीपी, जैसे कि हमारा CO2 की कंसंट्रेशन भी कम हो रही है, हमारे उसको प्रॉपर अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा है, तब भी टेम्परेचर भी इसको अफेक्ट करेगा, लाइट इंटेंसिटी तो ऑब्वियसली करेगी करेगी. तो जीपीपी कम होगा, जीपीपी कम होगा तो ऑब्वियसली एनपीपी भी कम हो जाएगा. मैम हो गया 4th तक. सबका हो गया 4th क्वेश्चन तक? यस मैम. फिफ्थ और सिक्स्थ भी पढ़ो. मैम जी जैसे मैम हमने एक्वेरियम बनाया और उसके अंदर हमने प्रोड्यूसर्स जो होते उन्हें नहीं लगाया, डायरेक्टली उसमें फिश को इंसर्ट कर दिया, तो
तो मैम वो एक इकोसिस्टम तो ही बना ही नहीं, तो उसे इनकम्प्लीट इकोसिस्टम कैसे कह रहे हैं? इनकम्प्लीट इकोसिस्टम है, बिकॉज इकोसिस्टम पूरा का पूरा बनता कैसे है, जब उसके अंदर प्रोड्यूसर्स होते हैं, उसके अंदर हमारे कंज्यूमर्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं. डिकम्पोजर्स भी नहीं ले तब भी बोल सकते हैं हम, लेकिन कंज्यूमर्स होने चाहिए, कंज्यूमर्स प्लस प्रोड्यूसर्स. वैसे डिकम्पोजर्स को भी कंसिडर करता है तभी पूरा एक कम्प्लीट इको सिस्टम बनेगा. विदाउट प्रोड्यूसर्स तो कोई इको सिस्टम हो ही नहीं सकता. क्वेश्चन यस मैम, है व्हाट इज एन इनकम्प्लीट प्रोड्यूसर्स एंड इको सिस्टम इज अ फंक्शनल यूनिट, जब उसके अंदर बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स आएंगे आपस में इंट्रैक्ट विद वन अदर रिजल्टिंग इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर एब्सेंस ऑफ एनी कंपाउंड व्हिच will make an ecosystem incomplete or it will hinder the functioning of the ecosystem. Second question बता दीजिए, हर्षिता ने पूछा second. सेकेंड क्वेश्चन में क्या था, इट इज पॉसिबल दैट अ स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रॉपिक लेवल इन द सेम इकोसिस्टम, मतलब एक ही इकोसिस्टम में क्या एक स्पीसीज एक से ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में आ सकती है? एक से यस ज्यादा ट्रॉपिक लेवल में एक ही स्पीसीज, ह्यूमन मैम स्पेशली ह्यूमन भी हो सकता है. यस मैम आ सकती है, ह्यूमन हो सकता है, प्राइमरी कंज्यूमर में भी आ सकता है ह्यूमन, सेकेंडरी कंज्यूमर में भी आ सकता है. एग्जाम्पल इन्होंने दिया स्पैरो, स्पैरो एक ऑमनीवोर होते हैं, ह्यूमंस भी तो ऑमनीवोर्स होते हैं हमारे. तो व्हेन इट ईट सीड्स, जब ये डायरेक्टली सीड्स को या प्लांट्स को ईट कर रहे हैं तो हम इसको प्राइमरी ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे, मतलब प्राइमरी कंज्यूमर्स में रखेंगे. जब ये किसी वॉर्म्स को इंसेक्ट्स को ईट कर रहे हैं तो हम इसको सेकेंड ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे, थर्ड ट्रॉपिक लेवल ऐसे इनको बोलना चाहिए, क्योंकि प्राइम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल तो हमारा वो होता है ना प्रोड्यूसर्स का, तो इसका मतलब इसे एक से ज्यादा हमारे ऑक्यूपाई कर लिया ट्रॉपिक लेवल. यस और किसी का कोई डाउट? मैम एक बार 6 समझा दीजिए. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वेरी फ्रॉम इकोसिस्टम टू इकोसिस्टम. प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन दे रहा है? मेरे को प्रोड्यूसर्स दे रहा है, वो इकोसिस्टम से इकोसिस्टम वेरी करेगा या नहीं करेगा? यस मैम, अगर सनलाइट उस रीजन में ज्यादा है किसी में कम, तो उससे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करेगा ना कि जिस इकोसिस्टम के अंदर प्रोड्यूसर ज्यादा है कम है, जैसे एक्वेटिक में प्रोड्यूसर्स कम होता है तो उनकी यस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑब्वियसली बातें कम होगी, ओके मैम. क्योंकि डायरेक्टली प्लांट स्पीसीज पे उनकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पे डिपेंड करता है. आगे चले बच्चों, यस मैम. सेवंथ वाला पढ़ना जरा एक बार. प्रियंका आपका अभी भी नेटवर्क इशू हो रहा है बेटा, ये क्रैश कोर्स ही चल रहा है मानसी. अगर आपके पास नए ग्रुप्स का लिंक नहीं है, बिकॉज आप लोग देख रहे हो आप सभी एसी बैच में हो ऑलरेडी, तो क्रैश कोर्स में ये नहीं है कि बहुत स्पीडली चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ ऐसे ही चल रहा है सब में. सिर्फ क्रैश कोर्स का मेन एम ये था कि हम बैचेस को छोटा छोटा बना दें ताकि हर एक बच्चे को अटेंशन मिल पाए अच्छे से. मैम हाँ जी, जो मैम हम 2 लाख जूल वाला जो भी हम पिरामिड बनाएंगे वो तो अकॉर्डिंग टू 10% लॉ ही तो बनाएंगे ना? हाँ वो 10% लोग के अकॉर्डिंग बनाएंगे. देखो क्या बोला है, कंपेयर द टू इकोलॉजिकल पिरामिड्स ऑफ बायोमास गिवन बिलो, एक्सप्लेन द सिचुएशन इन व्हिच दिस इज पॉसिबल. पहले वाला तो हमारा ऑब्वियसली है, वो कौन सा है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल वाला है, और सी वाला हमारा ड्राइवेट है, प्रोड्यूसर्स कम है, तो ये पॉन्ड इकोसिस्टम का है. Also consider an ideal pyramid of energy if 2 lakh joules of sunlight is available. अगर इतनी sunlight है तो primary producers उसको कितना use करेंगे, बाकी बाकी जो भी use करेंगे उसके according, वही 10% के according आपको बनाना पड़ेगा इसको. इतनी sunlight है, sunlight का producers कितना use करता है, 5 से 10%, 5 to 10%, yes, 2 to 10%, उसका आगे 10-10% आप add करते चले जाओ. okay, मैम
जी मैम, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसमें जो प्रोडक्शन है वो फास्ट होता है, बल्कि जो सेकेंडरी होती है उसमें स्लो होता है, ऐसा क्यों मैम? बिकॉज प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में डायरेक्टली हमारे प्लांट सनलाइट से खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमारा डिपेंड कर रही है क्योंकि वो क्या कर रहा है, प्लांट से ले रहे हैं बायोमास। अब वो डिपेंड करेगा कि जिस प्लांट से वो ले रहा है उस प्लांट का बायोमास कितना है, जिस प्लांट से वो ले रहा है उसका बायोमास कितना है। और प्लांट डायरेक्टली सनलाइट से ले रहे होते हैं, सनलाइट से मतलब अपना बायोमास प्रोड्यूस कर रहे हैं। और एक और रीजन हमारा ये भी रहेगा यहाँ पे, बिकॉज प्लांट्स अपने लिए भी तो कुछ यूज करेंगे ना। प्लांट्स ने अपना बायोमास बनाया, ठीक है, उस बायोमास में खुद कुछ यूज करेंगे, फिर कोई कंज्यूमर आएगा उसको यूज करेगा, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी तो ऑब्वियसली प्राइमरी से तो कम ही होगी, क्योंकि पूरा का पूरा तो प्लांट उसको नहीं देने वाले कंज्यूमर को, उससे कुछ कम ही देंगे अपना यूज करने के बाद, इसलिए कम होगा। वही जीपीपी एनपीपी वाला केस है कि जीपीपी ज्यादा की होती है, एनपीपी कम की होती है। यस सना, मैम, ये जो पिरामिड दे रखा है जिसमें हमें 2 लाख जूल ऑफ सनलाइट मिल रही है, उसमें मैम प्रोड्यूसर वाला जो लेवल है वहां पे 2000 जूल्स ही है, तो वहां पे तो 1% के हिसाब से निकाला है क्या इन्होंने? नहीं 10% ही है ये तो। 2 लाख का टेन 2000 कितना मतलब होगा? 20 लाख होता ना, सॉरी मतलब 2 लाख है तो वो फिर 20,000 हो जाता ना। 2 लाख का इन्होंने कितना लिया है, ये परसेंटेज निकालना इसका, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2000 इंटू 100 करके, 30 से 30 कट कर दिया हम लोगों ने, इंटू 100 1% है, 1% है ना। यस मैम, मतलब मैं वही पूछ रही थी कि स्टार्टिंग के लेवल में इन्होंने 1% लगाया, उसके बाद 10% से आगे किया ना। हाँ, क्योंकि हम लोग, अच्छा आपका क्वेश्चन ये होगा कि यहाँ पे 10% वाला क्यों नहीं है, मैम आपने बताया था हमें पहले कि 1% ही यूज करता है जो प्रोड्यूसर होता है। जो सन से लाइट आ रही होती है ना, उस पूरी की पूरी सनलाइट का सिर्फ 1% प्लांट्स यूज करता है, एक्चुअल वैल्यू ही आपने बताई थी हमें। टोटल 1% यूज करता है। और जो सन से लाइट आ रही होती है उसका 2 से 10% के आसपास हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है यस बेटा, उनकी कैपेसिटी होती है आकृति इतनी। नहीं मैम, 50% होता है पीएआर तो। मैम पीएआर तो 50% था 50% था, एग्जैक्टली मैम, 50% वो तो मैम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस वाला। वो तो मैम वो तो 50% जो पीएआर आता है उसकी 2 to 10% उस यूज करता 50% का भी 2 से 10% के आसपास था, है। उस यस 50 का मैम, भी 2 से 10। ठीक है, आगे करो क्वेश्चंस। यस मैम आगे कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिरामिड्स ऑफ बायोमास विद द हेल्प ऑफ वन एग्जांपल। अपराइट पिरामिड, दो और टाइप्स के, अब हम लोगों ने दो ही टाइप्स के देखे, अपराइट और इन्वर्टेड वाला, उसी को एक्सप्लेन करना, एक एग्जांपल बता देना, अपराइट किसमें बनता है और इन्वर्टेड किसमें बनता है। एक्वेटिक या पॉन्ड वाटर बोलते हैं। मैं हमसे स्प्लिंडर वाला तो नहीं पूछेंगे। नहीं, वो नहीं पूछेंगे, वो नीड में आ सकता है, ओके सिर्फ केस याद रखना है। चलो कुछ थोड़े ना 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आप लोग कर ही लोगे। ये वाले देखना, 12, 13, 14, 12, 13, 14 देखो। अ
apart from plants and animals, microbes form a permanent biotic component in an ecosystem. While plants have been referred to as autotrophs and animals as heterotrophs, what are microbes referred to as? How do these microbes fulfill their energy requirement? प्लांट्स और एनिमल्स को छोड़ दे तो जो मेरे माइक्रोब्स होते हैं वो भी एक परमानेंट बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं. प्लांट्स हैव बीन रिफर्ड टू एज ऑटोट्रॉप्स, प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, एनिमल्स को हम हेटरोट्रॉप्स बोलते हैं. तो हम माइक्रोब्स को क्या बोलेंगे फिर? सेप्रोट्रॉप्स. माइक्रोब्स भी मेरे सेप्रोट्रॉप्स मतलब हेटरोट्रॉप्स होते हैं, एक तरीके से डिकम्पोजर्स हम इनको बोल देते हैं क्योंकि डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहते हैं, तो इनको भी हम हेटरोट्रॉप बोलेंगे. बस हाउ डू दीज माइक्रोब्स फुलफिल देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट? अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट कैसे लेते हैं? जो हमारे प्लांट और एनिमल्स है उनके डेड और पार्ट से लेते हैं. यस ठीक है, आगे बढ़ो. व्हाट कुड बी द रीजन फॉर द फास्टर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन इन द ट्रॉपिक्स? फास्टर रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वो लिग्निन वाले आपने दो में पॉइंट बताए थे, फिर क्लाइमेट वाला. लिग्निन होगा तो कम हो जाएगा डिकम्पोजिशन, और नाइट्रोजन वगैरह होगा तो हाई हो जाएगा. पढ़ो क्या लिखा हुआ है. और भी फैक्टर्स थे, टेम्परेचर्स, मॉइस्चर, सॉयल और टोपोग्राफी वगैरह, एरोबिक कंडीशन. पढ़ो जल्दी जल्दी से. यस मैम, यहाँ पर तो केवल एक ही फैक्टर की बात हो रही है, टेम्परेचर एंड सोइल मॉइस्चर. लेकिन आप वो वाला फैक्टर भी लगा सकते हो, लिग्निन और जन वाला. यस मैम, डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस. डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन चाहिए होता है. गटेट्राइटस हमारा नाइट्रोजन एंड शुगर रिच होता है, तो इनके ऑक्सीडेशन के लिए हम लोगों को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी. मैम योर वॉइस इज नॉट क्लियर. मैम 15 क्वेश्चन नहीं दिख रहा है. 15 अभी दिखाता है, 14 तक कर लिए ना सबने? यस मैम. यस मैम. देख लो अभी 16, 17, फिर इसके बाद दिखाती हूँ. मैम मैम हम जीएफसी और डीएफसी को जो इसमें डिफरेंस दे रखा है ये सेकंड पॉइंट का, इससे भी तो रिलेट करके लिख सकते हैं वो रिलेशन वाले पॉइंट्स में. कौन से वाले पॉइंट में? मतलब जो डीएफसी है जीएफसी से रिलेट करती है. जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन हमारी कहाँ से? ग्रासेस से स्टार्ट होगी, और डीएफसी हमारे डेट्राइटस से स्टार्ट होगी. इसमें हम क्या रखा कि ये ब्रेक डाउन करता है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बताना. यस सर, इसमें तो यही बताना है. डेट्राइटस में ऑर्गेनिक मैटर को स्मॉलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, एंड ग्रेजिंग फूड चेन में दे प्रिपेयर अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे CO2, वाटर, इन सब से विद द हेल्प ऑफ सनलाइट. क्लोरोफिल इसमें आ गया. यस सनाया मैम, डेट्राइटिव कोर्स और डीकंपोजर को मतलब यहाँ अलग अलग क्यों बताया, ये सेम नहीं होते हैं? डेट्रीवोर और डीकम्पोजर्स. डेट्रीवोर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेट्राइटस को बनाएंगे, और डीकम्पोजर्स क्या होता है? डीकम्पोजर्स हमारे क्या कर रहे थे? फिजिकल ब्रेकडाउन करा रहे थे, डेट्राइटस को ब्रेक करा रहे थे.
डिट्राइटस को स्मॉल स्मॉल कंपाउंड्स में ब्रेक कराने वाले। मैम बट इसमें तो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगाई की एग्जांपल दिया है, और वो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरिया और फंगाई की एग्जांपल दिया हुआ है। याद करो पूरा डिकम्पोजिंग डिकम्पोजिशन वाला प्रोसेस, वो पूरा डिकम्पोजिशन कौन करा रहे थे? हमारे डिकम्पोजर्स करा रहे थे। और उसका जो फर्स्ट स्टेप था हमारा जिसमें डेट्राइटस, उसमें मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल अर्थवर्म लिखवाया था। yes, और फिर उसके बाद सेकेंड प्रोसेस जो कर लिखवाया था उसमें बैक्टीरिया एंड फंजाइज लिखवाए थे। मैम मतलब फ्रेगमेंटेशन जो होगी वो डेट्राइटस, फ्रेगमेंटेशन जो होगी मतलब कोई एक बड़ा सा सब्सटेंस है उसको फिजिकल ब्रेक डाउन कराएंगे, उसको हम वो डेट्राइटस कराएंगे। क्योंकि मेरे पास कोई प्लांट है, प्लांट की डेथ होगी तो डेथ होने के बाद उसके ऊपर जो एनिमल्स आएंगे उस एनिमल्स उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अर्थवर्म उसको खा रहा है, कोई इंसेक्ट्स उसके ऊपर आ गया, ये सब। फिर उसके बाद उस सबको सॉयल के अंदर मिक्सअप कर देंगे। फिर सॉयल के अंदर जाने के बाद उसको इनऑर्गेनिक में जो कन्वर्ट करने का काम होगा मेरे डीकम्पोजर्स डीकम्पोज करेंगे उसको। उसको डीकम्पोज का मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा सड़ाना है, गलाना टाइप से, वो हमारे बैक्टीरिया और फंजाई करता है। यस मैम ठीक है। ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कराएंगे डीकम्पोजर्स। आगे चले। Yes. ये वाला क्वेश्चन देख लो। हो गया ट्वेंटी तक कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे पहले वाले क्वेश्चन चैप्टर के भी क्वेश्चन करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर। मैम मैम ये जो 13 चैप्टर है उसमें एक वास्प और फिग का एग्जांपल है, वो मुझे क्लियर नहीं हुआ। दोबारा बोलो कौन सा? फिग वाला? यस मैम, वास्प और फिग वाला, फिग ट्री वाला। वास्प वाला और हमारा फिग ट्री वाला, समझाती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में भी उसको। तो क्वेश्चंस करेंगे ना, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। यस मैम। एटीन वाला क्वेश्चन, वुड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ टू एग्जांपल्स हाउ द पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ बायोमास कैन लुक इन्वर्टेड। मतलब नंबर वाले का भी और बायोमास वाले को दोनों का इन्वर्टेड आपको एक्सप्लेन करना है कैसे आएगा। व्हाट वुड हैपन टू द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी इफ द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ फाइटोप्लैंक्टन वाज स्लो डाउन। फाइटोप्लैंक्टन का जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन अगर वो स्लो डाउन हो गया तो उससे हमारे पिरामिड ऑफ एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। सजेस्ट टू फैक्टर्स विच कुड कॉज सच अ रिडक्शन इन द फाइटोप्लैंक्टन रिप्रोडक्शन। दो फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से हमारे फाइटोप्लैंक्टन के अंदर रिडक्शन। पढ़ लो जल्दी से, फिर मैं आप लोगों को नोट शेयर कर देती हूँ आपके ग्रुप में। मैम लास्ट वाले क्वेश्चन 20th क्वेश्चन में तो बस ड्रॉबैक्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स ही बतानी है ना। व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। हाँ, इकोसिस्टम की जब हम स्टडी कर रहे हैं उस टाइम पे इकोलॉजिकल पिरामिड के अंदर क्या क्या हम लोगों को कमियां देखने के लिए मिली वो बताना बस। मैम स्क्रीन बंद हो गई।
ऐसा कैसे? अभी मैम ब्लैक हो रहा है बिल्कुल। शो नहीं हो रहा, अभी हो गया मैम शो। डन मैम। चलो डन, फिर डन, विल सेव इन द नेक्स्ट क्लास। मैं आप लोगों को नोट शेयर कर रही हूँ, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और दोनों चैप्टर्स अच्छे से होने चाहिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है सो जस्ट लेट मी नो कि मैम मेरे ये टॉपिक्स में डाउट है, उन टॉपिक्स को हम फिर से पढ़ लेंगे। ओके ओके, बाय बाय, गुड नाइट।